Yep, absolutely sorted. And let's go, guys. Let's go. Jai Bhai will initiate. Now we can see Team Gloomy Teams versus Team I and Spy. Alone, Kunal, Sushant. No, Alone, Kunal, Sushant and Krishna. On the other side, we can see IG Irfan, Hyper, Adi and Farhan. As always, firing shot shuru ho chuki hai. I and Spy ke jo all four players are wearing same. एंड यहाँ पर टार्जन आउटफिट से एक प्लेयर को डाउन किया गया है. रिवाइव देने की पूरी कोशिश, क्रोनो एबिलिटी का बहुत सही इस्तेमाल. और यहाँ पर अलोन ग्लूमी टीम्स पीछा नहीं छोड़ रहे, क्रोनो एबिलिटी के पीछे, टार्जन के पीछे पड़े हुए हैं. एंड फर्स्ट ब्लड ड्रॉ हो चुका है, कृष्णा ने लिया है फर्स्ट ब्लड. देखेंगे कितनी ज़्यादा कंटिन्यूटी यहाँ पर हो सकती है. ट्रेड फायर हो चुका है गाइस. और अ फ्लॉलेस विक्ट्री और ग्लूमी टीम्स, बट दे डिड लूज कुनाल एंड कृष्णा ने किया है सारे का सारा कमाल. अच्छा एंड यहाँ पर सुशांत को डाउन कर दिया गया और कुनाल पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एडवांटेज है, अलोन इज गॉन ऑलरेडी. सुशांत इज डाउन और यहाँ पर फरहान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे लेकिन डाउन कर दिया गया. पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इरफान पर है. 1v2 क्लच निकालना है, एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं होने वाला. और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया इरफान. कितनी ज़्यादा देर तक बचेंगे कृष्णा? जब तक हैं तब तक बचना नामुमकिन. क्लैश कॉड्स ग्रैंड फाइनल्स. मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार. ओ कृष्णा को डाउन कर दिया. एमवीपी प्लेयर को बट रिवाइव दे दिया जाएगा. दो ग्रेनेड एक साथ डालते तो अलग होता है. यहाँ पर अलोन आगे, अलोन आर्मी बन के आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर डाउन कर दिया गया अलोन को. बट कृष्णा है तो कुछ तो कमाल होगा. रुको जरा, सब्र करो. प्लेयर्स हील अप हो जाएंगे, थोड़ा सा डीले पर खेल रहे हैं यहाँ पर प्लेयर्स. कृष्णा आगे बढ़ते हुए अलोन को बचा लिया गया और खुद ही के ग्रेनेड से खुद नॉक. सुशांत पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद ये राउंड आयन स्पाई के हाथों में जा सकता है. यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडी और हाइपर ने तो अभी तक अकाउंट भी नहीं खोला. आई डोंट नो हाउ कम आई एंड स्पाई आर प्लेइंग सो डाउन. कृष्णा 6 किल्स, कुनाल अलोन 4 किल्स, सुशांत 2 किल्स एंड द स्ट्रीक इज 4-0. सेमीफाइनल में कम से कम मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि सेमीफाइनल्स के प्लेयर्स इस तरीके से हारेंगे. रिवाइव भी दे दिया गया इस बार. मुझे लगता है फरहान को एलिमिनेट कर दिया जाएगा. रिवाइव देने के रिस्क में हाइपर खुद डाउन हो सकते हैं, रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है. थैंक यू फॉर द लव आदर्श भाई. जब स्ट्रॉन्ग थे तब भी नहीं कर पाए, खुद ही लप हो रहे हैं. प्लेयर को रिवाइव भी दे रहे हैं और खुद डाउन हो चुके हैं. एंड इट इज गोइंग टू बी कृष्णा, स्टिल द हाईएस्ट ट्राइगर. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड वी कैन सी ओवर हियर अलोन, कुनाल, सुशांत गोइंग अहेड विद द ग्रेनेड अटैक, देन गेटिंग स्पॉटेड. वन प्लेयर इज ऑलरेडी टेकन डाउन व्हिच हैज टू बी हाइपर विद टोटल ऑफ 0 किल्स ऑलरेडी. And he is revived. But for how long? And second player also taken down. First blood. Adi, the last man. He needs to take the clutch out. And Krishna and his teammates would not love. 6-0. First blood.
फर्स्ट ब्लड ले लिया गया है। लेट्स सी कृष्णा क्या करना चाहते, क्या डबल डिजिट पर उनके टीममेट्स उन्हें पहुंचने देंगे, क्योंकि इस बार एडी ने फर्स्ट फ्रैग ले लिया है। एडवांटेज ऑफ नंबर्स आयन स्पाई के पास है एंड मे बी मैन टू मैन एडवांटेज के चलते फरहान को ट्रेड आउट कर लिया गया एंड एडवांटेज इज ऑल गॉन। इट इज गोइंग टू बी 3-3 सिचुएशन। सुशांत हैज ऑल्सो बीन टेकन डाउन अलोन। कृष्णा ग्रेनेड की बिल्कुल तैयारी थी बट ये ग्रेनेड लगेगा नहीं बिल्कुल। कृष्णा और अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। आईडी के शॉटगन्स बिल्कुल सही वक्त पर कनेक्ट हुई थी। 2-2 इतना इजी विक्ट्री इस बार नहीं हो रहा। आईडी को डाउन कर दिया गया है। इरफान अकेले बबचे हैं थे एंड अलोन 7 किल के साथ वी गॉट अ क्लियर कट विक्टर अलोन विथ 7 किल। ओह एक चीज़ देखने लायक है, देखिए अगर कृष्णा की हाईएस्ट स्ट्राइक ज़रूर है लेकिन ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज दिया गया है, बल्कि एग्जैक्टली 50% से भी कम डैमेज है, ज़्यादा डैमेज अलोन ने दिया है। We'll be right back.